हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कुकिंग विद फरजाना। आज का रेसिपी है ट्रेडिशनल वे में बनने का आंध्रा का सबका फेवरेट और फेमस चिकन ग्रेवी करी। इसे तुम्हें खिचड़ी, पुलाव, चपाती, रोटी, गारल में भी खा सकते। इसके वास्ते पहला 750 ग्राम साफ करके धोकर रखे सो चिकन के पीसेस के अंदर 1.5 स्पून नमक, 1.5 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून हल्दी पाउडर, अभी 1/2 लीटर का तो 250 ml दही डाल लेना। अभी से अच्छा मिला को मिनिमम 1 घंटे के वास्ते किचन प्लेटफॉर्म पर मैरिनेशन को रख लेना। तब तक हमें मसाला रेडी कर लेंगे। इसके वास्ते पैन के अंदर 2 स्पून सूखा खोपरा डाल लेती हूँ मैं, होना तो कच्चा भी डाल ले सकते। 1 मिनट लो फ्लेम के इसके ऊपर डाल लेने के बाद 2 स्पून फली डाल लेना। ज़रा कलर चेंज होने के बाद मिक्सी जार में निकाल कर रख लेना। अब वो पैन में 2 लौंग, 1 इंच चकला, 1/2 स्पून शाहजीरा डाल लेना, 1 स्पून धनिया, 2 स्पून तिल डालती हूँ, होना है तो जरे खशखश भी डाल ले सकते। फिर को 1 मिनट इसे लो फ्लेम पर तल लेने के बाद पहला खोपरा भी फली को पाउडर कर लेना। उसके बाद बाकी के चीज़ों को भी डाल को अच्छा फाइन पाउडर बना को रख लेना। ये बन गया हमारा पेस्ट। अब वो पैन में 2 स्पून तेल गरम कर लेना। इसके अंदर 1 कप बारीक कटा सो प्याज डाल लेना। प्याज को मीडियम फ्लेम के ऊपर रख ले को ट्रांसपेरेंट कर लेना। 1.5 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल को फिर को 1 मिनट के वास्ते का तो अदरक लहसुन का कच्चा बास गए तक इसे लो फ्लेम के ऊपर तल लेना। उसके बाद 3 पाव कप टमाटे डाल लेना। अब कवर कर को लो फ्लेम के ऊपर टमाटे नरम गल गए तक पका लेना। इसके बाद मैरिनेट कर ले सो चिकन को डाल लेना। एक बार इसे अच्छा मिला को कवर कर को मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 मिनट के वास्ते, नहीं तो ज़रा पानी ऊपर छुटको आए तक इसे पका लेना। ऐसे ज़रा पानी निकलते तब 1/2 ग्लास फिर को मैं पानी डालती हूँ। अब इसे कवर कर को मीडियम फ्लेम के ऊपर चिकन 80% पके तक इसे पका लेना, बीच बीच में चलाते हुए। 80% पक जाने के बाद बना को रखे सो पाउडर है ना मसाले का, वो डाल लेना। फिर को 3 मिनट के वास्ते इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देना। हाँ, मैं ज़रा करी पत्ते डालती हूँ। अभी 4 उबाले सो अंडे भी डालती हूँ। अंडे डालते तब ज़रा कट लगा ले तो मसाला अंदर तक जाको अच्छा टेस्टी रहता, अंडे ऑप्शनल। अब ग्रेवी कितना गाढ़ा होना के उतना गाढ़ा आए तक इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेना। ठंडा होने के बाद यह अभी ज़रा घट बन जाता। इतना ज़रा गाढ़ा होने के बाद 1/2 स्पून नींबू का रस, मुट्ठी भर कोथमीर डाल ले को फ्लेम को बंद कर डालना। ठंडा होने के बाद ये अभी ज़रा गाढ़ा होता और तज बन गया हमारा आंध्रा स्टाइल में ट्रेडिशनल चिकन ग्रेवी का करी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।